रुजान रुजान पीछे लग रहा है पीछे खड़े होता है। बुकारो में आज एक साथ दो बड़ी घटनाएं घटी। एक धनगरी की मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि जो कांड्रा मोजा है वहां पर जमीन विवाद को लेकर पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों में झड़प हो गई है। जी हां, कांड्रा मोजा में चल रहे जमीन विवाद को लेकर वन विभाग और स्थानीय रैयतों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद स्थानीय रैयतों और पुलिस ने झड़प के बाद लाठीचार्ज की बात सामने आ रही है। और लगातार बोकारो में आज दो बड़ी घटनाएं घटी है, धनगरी और कांड्रा मोजा में जमीन विवाद का मामला। जमीन विवाद के बाद स्थानीय रैयत एक बार फिर वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान पहले के मामले को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल की भी वहां व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों और रैयतों के विरोध के बाद दोनों में पुलिस और रैयतों में झड़प हुई और झड़प के बाद पुलिस ने विरोध करने वाले ग्रामीणों को पकड़कर पिंडराजोरा थाना के हवाले कर दिया है। वन विभाग की ओर से वहां पर तैनात किए गए जवानों की तरफ से विरोध करने वाले ग्रामीणों को पकड़कर पिंडराजोरा थाना के हवाले कर दिया गया है। अब पूरा मामला पिंडराजोरा थाना पहुंच चुका है और पिंडराजोरा पुलिस इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। रुजान रुजान पीछे लग रहा है पीछे खड़े होता है। आप झड़प का जो नजारा देख रहे हैं कांड्रा मोजा के उस जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिससे लेकर लंबे समय से वहां कर रही है तो और वन विभाग की तरफ से लगातार विवाद चल रहा था, जिसके बाद आज एक बार फिर दोनों के बीच आपस में झड़प होती है और झड़प के बाद जो सुरक्षा बल तैनात किए गए थे उनकी तरफ से विरोध करने वाले रैयतों ग्रामीणों को पकड़कर पिंडराजोरा थाना के हवाले कर दिया गया है। तो जो धनगरी का मामला थमा ही नहीं था कि अब कांड्रा मोजा चास से यह तस्वीर सामने आ रही है। रुजान रुजान पीछे लग रहा है पीछे खड़े होता है।